नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मेरी रसोई में टूटी फ्रूटी बन रही है जो बच्चों को बहुत ही पसंद होती है। आज हम ये रेसिपी कच्चे पपीते के साथ बनाएंगे। वैसे तो यह तरबूज के छिलकों से भी बन जाता है, लेकिन वो हफ्ते भर में ही ख़राब हो जाता है क्योंकि उसमें होता है ढेर सारा पानी। लेकिन कच्चा पपीता में पानी नहीं होता है और कच्चा होने की वजह से यह एकदम ठोस होता है। तो इससे बना हुआ टूटी फ्रूटी आप 5-6 महीने तक आराम से फ्रिज में रखकर एंजॉय कर सकते हैं। टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल आप बहुत सारी मिठाइयों और केक में कर सकते हैं। टूटी फ्रूटी बनाने के लिए हमने 1/2 किलो का कच्चा पपीता ले लिया है। इसे हमने अच्छे से छील करके लंबे टुकड़ों में काट लेंगे, जिससे इसके अंदर की बीज को साफ करने में आसानी होगी और फिर इसे हम छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। पपीते को क्यूब्स में काटने के बाद हम इसे अच्छे से साफ करके एक छन्नी में छान लेंगे। और अब हमने एक पैन को गैस पर रख दिया है और उसमें 1 कटोरी चीनी डाल दिया है और 1.5 कटोरी पानी ऐड कर लेंगे और चीनी को घुलने तक हम पानी को पकाएंगे। ध्यान रहे कि हमें चाशनी नहीं बनानी है, केवल हमें चीनी घुलने तक पानी को पकाना है। जैसे ही पानी में बॉयल आता है, हम पपीते के क्यूब्स को डाल देते हैं और लिड लगा करके 5 मिनट तक पकने देते हैं। 5 मिनट बाद लिड हटा करके हम इसे 15 मिनट तक बिना ढके पकाएंगे। चेरी ने अच्छे से शुगर सिरप को एब्जॉर्ब कर लिया है और इसकी चाशनी चिपचिपी हो गई है। और गैस बंद करने के बाद हमने सभी चेरियों को 3 कटोरी में निकाल लिया है। 1 कटोरी में हमने केसरी फूड कलर मिला करके केसरिया रंग का तैयार किया है और दूसरे में ग्रीन कलर डाल करके हरे रंग की टूटी फ्रूटी तैयार की है और तीसरे को हमने नेचुरल कलर में छोड़ दिया है और चौथा भाग हमने पैन में ही रहने दिया है। इसमें चुटकी भर हल्दी मिला करके हम धीमी आंच पर पका लेंगे, जिससे कि हल्दी की स्मेल नहीं आएगी। हल्दी जिसमें डाला था वो टूटी फ्रूटी भी हमारा हल्के पीले रंग का बन करके तैयार हो गया है। बहुत ही खूबसूरत कलर आया है और ये हमारा वो टूटी फ्रूटी है जिसे हमने बिना कलर नेचुरल कलर में ही रहने दिया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, हमने 4 तरह की टूटी फ्रूटी तैयार कर ली है और इसमें हम 2-2 बूंद वनीला एसेंस के डाल देंगे, जिससे इसमें अच्छी खुशबू आएगी। और इसे हम 12 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 12 घंटे में टूटी फ्रूटी में अच्छा कलर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, इसे हमने 12 घंटे तक छोड़ दिया था और सभी चेरियों में बहुत ही प्यारा कलर आ गया है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। आप चाहें तो इसे स्ट्रेनर में सभी चेरियों को छान करके थाली में फैला दें। यहाँ पे मैं चम्मच से सिरप को बचाते हुए सभी चेरियों को निकाल करके थाली में फैला दे रही हूँ और इसे 5 घंटे के लिए पंखे की हवा में छोड़ देंगे, इससे कि यह अच्छे से सूख जाएगा। 5 घंटे बाद हमारी चेरी सूख करके तैयार हो चुकी है। इसे आप अपने बच्चों को टेस्ट कराइए, उन्हें इनका स्वाद बहुत पसंद आएगा। और जो शुगर सिरप बच गया है, इसमें आप शरबत बना करके इंजॉय कर सकते हैं। अब आप एक एयर टाइट जार में इसे डाल करके 5-6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं और जब भी मन करे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।